महाराष्ट्र में बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस की रफ्तार से हर कोई परेशान है इस बीच कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर नई टेंशन पैदा हो गई है फिलहाल महाराष्ट्र में सिर्फ तीन दिन का वैक्सीन स्टॉक ही बचा है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेश टोपे ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि अभी महाराष्ट्र में चौदह लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध है जबकि हमने हर हफ्ते चालीस लाख वैक्सीन डोज केंद्र सरकार से देने की मांग की है मंत्री के अनुसार कई वैक्सीनेशन केंद्रों पर उचित मात्रा में वैक्सीन डोज उपलब्ध नहीं है इसलिए लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है दरअसल महाराष्ट्र में अब तक पचासी लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है हर दिन औसतन चार लाख से अधिक डोज लगाई जा रही है